आई एम फ्रॉम क्राइम ब्रांच, नाम है विजय कुमार। तो मैं अपना नाम क्यों बता रहा हूं जानते हो? तुमने अब तक जितने खून किए उन्हें तुम एक बार भूल सकते हो, लेकिन अब यहां से तुम्हारे मरने तक मेरा नाम नहीं भुला सकोगे। बहुत घूर लिया, अब मुंह खोलो, बताओ उस डॉक्टर और एसआई को क्यों मारा तुमने? जब भगवान बहुत खुश होता है तो खुशी में बहुत सी चीजें बनाता है, लेकिन जब वो गुस्से में होता है तब वो सिर्फ मुझ जैसे आदमी को ही बनाता है। डायलॉग बहुत ही अच्छा है, अब स्टोरी बता। मेरा नाम भरत है, भारत प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस का एमडी। रियल एस्टेट बिजनेस को मैं कॉर्पोरेट तरीके से कर रहा था। गुड मॉर्निंग सर। हाँ अंजलि, कैन यू कम इन विद माय कॉफी? या। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, योर कॉफी। थैंक यू, फॉरगेट इट। एनीवे, क्या अपॉइंटमेंट से आज? सर, पुट्टा स्वामी एक अच्छा सा प्रपोजल लेकर आए हैं। ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, इस बात का ये एक बहुत बड़ा सबूत है मेरे भाई। आहा, 50 एकड़, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, पूरे 100 करोड़ की बात है मेरे भाई। 50 एकड़ बंजर जमीन है, उसमें से 10 एकड़ आदिवासियों की लावारिस पड़ी हुई है, और बाकी 40 एकड़ पर हाथ साफ करने के लिए और 40 लोग पीछे पड़े हैं। सबको पटाके मैंने अपने सीने पे बैठा के रखा मेरे भाई। और तो और, चीफ मिनिस्टर का दामाद भी उस पर नजर जमाए बैठा है। अगर जमीनें हमें बेचेंगे तो एक एक का 10 लाख रुपए मिलेगा, और मना किया तो जिंदगी भर उंगली चूसते रह जाओगे, ऐसा उन्हें बता कर आया हूं मैं। अब अगर तुम मान जाओगे तो फायदा ही फायदा होगा मेरे भाई। अगर मानेंगे तो अच्छा होगा सर, हमारी कंपनी की प्रोफाइल और अच्छी हो जाएगी। एक एकड़ का 10 लाख के हिसाब से अगर हम 5 लाख भी इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत है, ऊपर से 1 करोड़ खर्चा करके बीच के लोगों में बांट देंगे, फिर हमें 1 एकड़ के पीछे मिनिमम 1 करोड़ का फायदा होगा। तुम्हें वहाँ चलकर उनसे सिर्फ एक ही बात करनी होगी बस, और वो बात क्या है पता है? किसानों के आगे हाथ जोड़ना पिताजी कहते थे कि भगवान के आगे हाथ जोड़ने जैसा है। आप सबको मेरा नमस्कार। पहली बात में तुमने सबको फ्लैट कर दिया मेरे भाई। दरअसल सच बात तो यह है कि मैं आपकी जमीनें खरीदने नहीं आया। लेकिन दूसरी बात में तुमने तो मुझे ही फ्लैट कर दिया मेरे भाई। अरे ये क्या बात हुई, जमीन खरीदनी है बोलकर? कहते हैं कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उस हड्डी को कई लोग तोड़ने में लगे हैं। बारिश की जरूरत पर बारिश नहीं होती, बारिश होती है तो फसल नहीं होती, फसल होती है तो कीमत नहीं मिलती, और कीमत मिलती है तो वो आप तक पहुंचती नहीं, बीच में कोई ब्रोकर खाकर चला जाता। हाँ। माना कि आज किसानों की कीमत नहीं है, लेकिन जमीन की बहुत कीमत है, फिर भी उनका उद्धार हुआ है क्या? हाँ। एकदम 100% की बात कर रहा है मेरा भाई, मेरे पेट पे लात क्यों मार रहे हो? मैं आपको पैसे देकर आपकी जमीन खरीद लूंगा, कल किसी और को करोड़ों में बेचूंगा, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? कुछ धंधा करना है बोलकर वो पैसे कुछ दिनों में खर्च कर देंगे। ऐसा ना हो इसलिए मैं आपकी जमीनें खरीद नहीं रहा, उसके बदले में मैं आप सबको अपना पार्टनर बना रहा हूँ, जो फायदा होगा हम आपस में बांट लेंगे। अच्छा ख्याल है। थैंक यू। आहा, ये क्या कर दिया तुमने मेरे भाई, कितनी मुश्किल से अपना पूरा दिमाग लगाकर इन्हें बोतल में उतारा था, बिना कुछ बोले चुपचाप यहाँ आ गए, और अचानक मेरी पीठ में छुरा क्यों घोंप दिया तुमने मेरे भाई? बिजनेस मतलब सिर्फ फायदे के बारे में सोचना नहीं होता पुट्टा स्वामी, प्रिंसिपल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं औरों का भी ख्याल रखना चाहिए। ये बातें कहने सुनने में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकली बिजनेस में ये सब नहीं चलता।
बॉस, व्हाई डोंट यू शट अप एंड डू योर ओन जॉब अंजलि। सॉरी सर, सॉरी। यप। पुट्टस्वामी, एक पते की बात सुनो। हर घंटे हजारों लोग पैदा होते हैं और हजारों लोग मर भी जाते हैं, लेकिन जो अच्छे कर्म करते हैं उनकी उम्र लंबी होती है।